मोदी सरकार के नेतृत्व में पिछले 6 साल में देश ने बहुत तरक्की की है। सबसे ज्यादा जिस विभाग ने विकास किया है वो है रेलवे विभाग। इस सरकार के कार्यकाल में रेलवे ने बहुत से कीर्तिमान हासिल किए, उसमें से एक कीर्तिमान पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये हासिल किया है कि स्वच्छ ईंधन की तरफ कदम रखते हुए भारतीय रेलवे ने बैटरी से चलने वाली रेल का सफल परीक्षण कर लिया है। रेलवे के जबलपुर मंडल में इस इंजन का निर्माण किया गया है और इसे रेलवे की तरफ से नवदूत नाम दिया गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी, लिखा, रेलवे के जबलपुर मंडल में बैटरी से चलने वाली डुअल मोड शंटिंग लोको नवदूत का निर्माण किया गया जिसका परीक्षण सफल रहा। बैटरी से ऑपरेट होने वाला ये लोको एक उज्जवल भविष्य का संकेत है जो डीजल के साथ विदेशी मुद्रा की बचत और पर्यावरण संरक्षण में एक बड़ा कदम होगा। भारतीय रेलवे की तरफ से बनाया गया ये इंजन डुअल मोड में काम करेगा। आपको बता दें, भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार 100% ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर चलने और समय पर ही गंतव्य स्थान पर पहुंचने में सफल रही हैं। भारतीय रेलवे ने 1 जुलाई 2020 को 201 ट्रेनों का संचालन किया जो कि ठीक समय पर चली और अपने आखिरी स्टेशन पर भी निर्धारित समय पर ही पहुंची।